हाय, दिस इज किदम कॉमेडी। दोस्तों, एप्पल ने रिलीज कर दिया है iOS 18.1 का डेवल बीटा 5 और ये मेरे iPhone 15 Pro Max पे 878 MB का देखने को मिलता है। नाउ इस टाइम पे अभी एप्पल ने कोई भी पब्लिक बीटा रिलीज नहीं किया, लेकिन iOS 18.1 का पब्लिक बीटा 2 आपको विद इन 24 to 48 hours में देखने को मिल जाएगा। एनीवेज, अपडेट से पहले मेरे iPhone 15 Pro Max में अवेलेबल फ्री स्पेस अराउंड 185 GB थी, जो कि अपडेट के बाद घट के 183 GB के अराउंड हो गई है। दैट मीन्स इस वाले अपडेट के बाद आपके अवेलेबल फ्री स्पेस घटने वाली है और इस वाले अपडेट के साथ आपको कोई भी नया मॉडर्न फर्मवेयर देखने को नहीं मिलता। एनीवेज, लेट्स सी आपको iOS 18.1 बीटा 5 में क्या क्या नया देखने को मिलता है। iOS 18.1 बीटा 5 में आपको सबसे पहला फीचर देखने को मिलता है आई मैसेज एप्लीकेशन में, जहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम आई मैसेज एप्लीकेशन ओपन करते हो तो आपको इस तरह से एक स्प्लैश स्क्रीन मिलेगा, जो कि आपको इंडिकेट करता है कि अभी आई मैसेज एप्लीकेशन में आपको दो नए फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं विद एप्पल इंटेलिजेंस, जिसमें है मैसेज समरीज एंड स्मार्ट रिप्लाइज। मैसेज समरी में बेसिकली आपके अनरीड कन्वर्जेशन की समरी होगी और स्मार्ट रिप्लाइज में आप एआई की हेल्प से क्विकली सामने वाले पर्सन को रिप्लाई कर पाएंगे। तो iOS 18.1 बीटा 5 में आपको एप्पल इंटेलिजेंस के ये दो नए फीचर्स आपके आईफोन में देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट, iOS 18.1 बीटा 5 में नाउ आपको कंट्रोल सेंटर में दो नए टॉगल्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला टॉगल है ये वाईफाई का टॉगल, जहाँ पे नाउ आप इस कनेक्टिविटी टैब से हटके अलग से वाईफाई के टॉगल को अपने कंट्रोल सेंटर में ऐड कर सकते हो, जिस तरह से आप पिछले वाले बीटा में ब्लूटूथ का टॉगल इस तरह से ऐड कर पा रहे थे। तो फाइनली अभी iOS 18.1 बीटा 5 में आपको ब्लूटूथ के जैसे ही वाईफाई का टॉगल अलग से ऐड करने का ऑप्शन मिल गया है। साथ ही यहाँ पे आपको एक नया VPN का टॉगल भी ऐड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, iOS 18.1 बीटा 5 में आपको नाउ कंट्रोल सेंटर में कंट्रोल सेंटर रीसेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो बेसिकली अगर आपने अपना कंट्रोल सेंटर मैसअप कर लिया है और अगर आप वापस से रीसेट करना चाहते हैं तो अभी आपको सेटिंग में कंट्रोल सेंटर में अपने कंट्रोल सेंटर को रीसेट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, iOS 18.1 बीटा 5 में आपको एप्पल इंटेलिजेंस के लिए डार्क आइकॉन देखने को मिल जाता है। तो अभी डार्क मोड के लिए यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस का नया आइकॉन आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, iOS 18.1 बीटा 5 में आपको अगला फीचर ऑल न्यू कैमरा कंट्रोल के लिए देखने को मिल जाता है, जहाँ पे नाउ आपके कैमरा कंट्रोल के लिए आपको बैक कैमरा एज वेल एज फ्रंट कैमरा का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अभी मैं आपको ये शो नहीं कर सकता बिकॉज मेरा ये iPhone 16 अभी iOS 18 पे रन कर रहा है, लेकिन अगर आपके पास iPhone 16 सीरीज है तो नाउ आप अपने कैमरा कंट्रोल बटन से बैक कैमरा एज वेल एज सेल्फी कैमरा भी एक्सेस कर पाएंगे। बात करें iOS 18.1 बीटा 5 अपडेट के बाद मेरे iPhone 15 Pro Max के परफॉर्मेंस की, तो एज यू कैन सी मेरा iPhone 15 Pro Max काफी ज्यादा स्मूथ चल रहा है। अभी तक मुझे अपने iPhone में कोई भी लैग, स्टटर या फिर किसी भी एप्लीकेशन का कोई क्रैश देखने को नहीं मिला। मैंने क्विकली सारे बैंकिंग एप्स भी चेक कर लिए हैं और इस वाले अपडेट के साथ सारे बैंकिंग एप्स भी बिल्कुल सही चल रहे हैं। सो नाउ आप iOS 18.1 बेटा 6 या फिर RC रिलीज कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो आपको iOS 18.1 बेटा 6 या फिर RC रिलीज नेक्स्ट वीक 30 सितंबर को देखने को मिल सकता है और उसके बाद अक्टूबर के सेकंड वीक यानी 7th अक्टूबर तक आपको iOS 18.1 का फाइनल स्टेबल रिलीज देखने को मिल सकता है। और एप्पल इस बार iOS 18.1 जल्दी रिलीज कर रहा है और ऐसा इसलिए है बिकॉज एप्पल ने iPhone 16 सीरीज लॉन्च कर दी है, लेकिन अभी तक एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट आपको iPhone 16 में देखने को नहीं मिलता। तो इसके लिए अभी एप्पल जल्दी ही आपको iOS 18.1 का फाइनल स्टेबल रिलीज देने वाला है। बात करें अपडेट के बाद मेरे iPhone 15 Pro Max के बैटरी बैकअप की, तो उसके लिए अभी हमें अपने iPhone 15 Pro Max को और भी ज़्यादा टेस्ट करना पड़ेगा बिकॉज ये अपडेट अभी अपने iPhone पे इंस्टॉल हुआ है। तो अगर इस वाले बेटा का बैटरी बैकअप अच्छा होगा तो मैं अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा। वीडियो का आपका हेल्प लगा दें प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए एंड iOS 18 के रेगुलर अपडेट्स के साथ अप टू डेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल आई डी सब्सक्राइब कर, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।